उठाए हैं सवाल। बीजेपी विधायक जवाहरलाल राजपूत के सवाल है, योजना में 10 करोड़ खर्च हुए दिखाई नहीं दे रहा। योजना में 10 करोड़ रुपए खर्च तो कर दिए लेकिन काम नहीं हुआ। योजना के अधिकारी घोटाले में लिप्त हैं, ये विधायक का कहना है। घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री से करेंगे, इस बात का भी जिक्र विधायक ने कहा है। योजना के अधिकारी भी घोटाले में लिप्त, इस बात का भी जिक्र बीजेपी विधायक ने किया है और घोटाले की शिकायत भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करने की बात कही है। बीजेपी विधायक ने यहाँ पर सरकार पर सवाल उठा दिए हैं और पेयजल योजना को लेकर विधायक ने ये सवाल उठाए हैं। बेलखंड में पीने के पानी की हमेशा समस्या रही है, तो गरोठा गुरसराय पेयजल योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उस समय के तत्कालीन नगर विकास मंत्री खन्ना जी, उन्होंने यहाँ के लिए 85 करोड़ रुपए पेयजल के लिए स्वीकृत किया था और हम समझते उस पर 1 जनवरी 2019 से काम चल रहा है, लेकिन कुछ अधिकारियों ने लापरवाही और अपनी मनमानी से जो पाइपलाइन में या जो वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक या और भी जो निर्माण कार्य होना था उन्हें ना करके केवल गरोठा से गुरसराय और एरस तक पाइपलाइन रोड के किनारे बिछा दी है, जिससे कम जो अधिक समय जिसमें निर्माण कार्य में लगना चाहिए था उस पर खर्च नहीं किया। तो इसकी अपन ने जांच